एक ऐसे जमाने में जहां पे हर एक यूट्यूब चैनल पे आईपीओ को गरम गरम पकोड़े की तरह बेचा जाता है, एक ऐसे जमाने में जहां पे मार्केट में इतनी सारी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए बोली जाती है और हर एक नए आईपीओ को एक पकोड़े की तरह आपके सामने रखा जाता है, ऐसे जमाने में मैं एक अलग थॉट प्रोसेस लेके आया हूँ आपके सामने कि क्या आईपीओ में से वेल्थ बनती है और क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा मेरा अलग थिंकिंग है, पेशेंस रखना, शायद आपको कुछ नया नॉलेज मिलेगा। बाकी आप जो डिसीजन लेना चाहते हो वो तो अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड है, पेशेंस रख के मेरे को सिर्फ सुनना। सबसे पहला पहला क्वेश्चन कि आईपीओ होता क्या है। भैया आईपीओ ये होता है कि जैसे कि कोई एक बिजनेस है, उसकी अभी समझ लो कि कोई फास्ट फूड बिजनेस कर रहा है, तो उसकी दो तीन ब्रांच है, अच्छी खासे सैंडविच वगैरह बिक रही है, पर उसको अभी पूरे इंडिया में फैलाना है, तो उसके लिए शायद उसको 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो बैंक से लोन नहीं लेगा, ब्याज भरना पड़ता है, शायद इतनी बड़ी लोन मिलेगी नहीं, इन्वेस्टर कुछ है उसके ऑलरेडी पैसे लिए हुए हैं, तब वो जाएगा पब्लिक मार्केट में कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए दो, मैं 100 100 रुपए का एक शेयर पूरे इंडिया को दूंगा। तो एकदम सिंपल भाषा में ये होता है कि आईपीओ मतलब पब्लिक के पास से पैसा लेना। बट आईपीओ आने के काफी सारे रीजन होते हैं, क्या आप लोगों को पता है? क्या आपने कभी भी ऐसा पूछा है कि ये कंपनी को आईपीओ आ रहा है और मैं पैसा दूंगा, तो वो आईपीओ का जो पैसा होगा वो कंपनी कहाँ यूज करने वाली, क्या जरूरत है उसको पैसे की? ये इसका एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट आता है सेबी के तरफ से, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। अब मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं जितने साल स्टॉक मार्केट में रहा हूं और जब मैं लोगों को पूछता हूं कि क्या आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, क्या वो आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, तो 10 में से 6 7 लोगों को वो डॉक्यूमेंट का पता ही नहीं होता और वो पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल होता है, पता नहीं होता है कि उसमें क्या लिखा हुआ हो। तो सबसे पहले तो कोई भी आईपीओ में पैसा डालने से पहले आपको ये पूछना चाहिए कि ये आईपीओ क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं, वो मैं अभी रीजन बताऊंगा। हर एक आईपीओ सेम नहीं होता है। और आईपीओ में वेल्थ सबसे ज्यादा कौन बनाता है ना, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेट्स से कि मेरा एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और मेरी एक आईटी कंपनी है, मेरा कुछ 30 40 करोड़ का टर्नओवर है। अब मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूं, तो मैं आईपीओ ला रहा हूं एक्सपांशन के लिए कि मुझे इंडिया में इतनी ऑफिस बनानी है, मेरे पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है, मेरे को एम्प्लॉयज रिक्रूट करने हैं, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेरे को दूसरी जगह पैसे, तो उसको बोलते हैं कि एक्सपांशन के लिए पैसा लगाया। ठीक है, चलो मेरी कोई हिस्ट्री होगी 5 6 साल की, वो आप देख सकते हो। कोई आईपीओ ऐसा होता है कि मेरे पे डेट बहुत ज्यादा है, वो डेट में से निकलने के लिए मेरे को आईपीओ डालना पड़ रहा है, समझ रहे हो? तो ये भी एक होता है। अब मैं कोई कंपनी चला रहा हूं और मैंने इनिशियली में काफी सारे इन्वेस्टर ने मुझे पैसा दिया है, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर इन्वेस्टर, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 15 करोड़, किसी ने 100 करोड़ रुपए ऐसे डाल के एक बहुत बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली जिसका नाम बहुत है मार्केट में। आजकल ऐसा है, काफी सारी एप्लीकेशन का नाम बहुत बड़ा हो गया है, बट वो इन्वेस्टर अभी मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि भाई हमने पैसा डाला था, वो कब वापस आएगा, अभी 6 साल हो गए, हमको पैसा दो पे, और मेरे एज अ सीईओ मेरे पे प्रेशर है। तो कई बार प्रेशर प्रेशर में भी आईपीओ आता है। तो जो वेंचर कैपिटल ने मेरे में सिर्फ 10 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, वो ऐसे रात में सपने देख रहा है कि इसका आईपीओ लॉन्च हो जाए तो 10 करोड़ के 100 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ के 50 करोड़ हो जाए। तो ऐसा नहीं होता कि मुझे चलो वो आईपीओ की जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस था अच्छी खासी, एप्लीकेशन थी, जो भी था मेरा ग्रो हो रहा है मुझे, पर क्या वो सही टाइम पे आईपीओ आ रहा है, क्या मैं कोई प्रेशर की वजह से आईपीओ ला रहा हूं? तो आईपीओ काफी सारे रीजंस की वजह से आ सकता है, आपको पहले वो स्टडी करना पड़ेगा। और आईपीओ में वेल्थ कौन बनाता है ये आपको कोई नहीं बताता, मैं बता दूं आपको। आईपीओ में वेल्थ सबसे बड़ी बनाते हैं कि जो लोगों ने उसको इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट किया होता है। और आईपीओ के दिन सबसे ज्यादा क्या होता है बताए, ज्यादातर केसेस में रिटेल पब्लिक, छोटे छोटे बेचारे मासूम लोग, मिडिल क्लास के जो ऐसे इनोसेंट यूट्यूब वीडियो देख के आईपीओ भर डालते हैं, वो लोग कंपनी में एंट्री करते हैं वही प्राइस पे। अगर आप एंट्री करते हो तो बाई करते हो ना,
और जब आप आईपीओ भरते हो या तो पहले दिन लिस्ट होती है, उसी टाइम पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिसने लाखों करोड़ अब्जों का इन्वेस्ट किया था ना, वो लोग आईपीओ के दिन निकलते हैं वहां से। ये ट्रूथ होता है, ज्यादातर केसेस में ये ट्रूथ होता है। बहुत कम इन्वेस्टर ही कंपनी के साथ अभी भी रहते हैं। आईपीओ में काफी जो प्रमोटर फाउंडर होते हैं वो अपना स्टेक काफी सारा बेचते भी हैं, वो निकल जाते हैं, अपना स्टेक रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि उसको रिड्यूस करना भी है अभी, क्योंकि पब्लिक के पास कंपनी जा रही है इसलिए। और आईपीओ ये दिन होता है कि काफी सारे फाउंडर मिलियनर्स बिलियनर्स बन जाते हैं, उसका जो फंड इनिशियल स्टेज में जिन लोगों ने रोका होता है वो मिलियनर्स बिलियनर्स बन जाते हैं। उस कंपनी के इनिशियल जो 5, 10, 20, 30 एम्प्लॉय जिसको बोनस मिला होता है वो मिलियनर्स बन जाते हैं। और रिटेल रिटेल बंदा बेचारा अभी एंटर हुआ होता है। इसीलिए मुझे आईपीओ, मैं पर्सनली आईपीओ को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं रेयरली आईपीओ सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि मुझे ये गेम मेरे फेवर में नहीं लगती है। बट अगेन, जैसा मैंने बोला, मैं ये स्टेटमेंट उस जमाने में बोल रहा हूँ जहाँ पे यूट्यूब पे बिजनेस चैनल पे एप्लीकेशन पे पकौड़ों की तरह आईपीओ को बेचा जा सकता है। तो मेरी बात कितनी मायने रखेगी आई डोंट नो, पर सच्चाई सच्चाई मैंने बता दिया आप लोगों को। तो दूसरा कि कोई रिटेल पब्लिक होती है, रिटेल पब्लिक कोई रिटेल इन्वेस्टर होता है, आपको दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टर मिला कि जो बंदा बोलता है यार मेरे अपनी लाइफ की वेल्थ आईपीओ में से बनाई और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई आईपीओ की वजह से? मैंने मेरे कैरियर में ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो आके मुझे ऐसा बोले कि चेतन भाई, चेतन सर, आईपीओ से मैंने वेल्थ बनाई। क्योंकि ये जो वेल्थ की गेम है वो ऑलरेडी मास्टर हो चुकी होती है आईपीओ आने से पहले, समझ लो आप। आईपीओ आने से पहले ही ये गेम मास्टर हो चुकी होती है। तो मैं ज्यादातर इन्वेस्ट करना कब प्रीफर करता हूं बताए, वो एक बार लिस्टिंग हो जाने के बाद, क्योंकि काफी सारा जो नॉइज होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। दूसरा कि प्राइवेट कंपनी को हैंडल करना और पब्लिक कंपनी को हैंडल करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राइवेट कंपनी में फाउंडर, सीईओ, चेयरमैन, उनका बहुत कंट्रोल होता है, काफी सारी चीजें वो अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। पब्लिक कंट्री को मैनेज करने के लिए बहुत सारा हुनर चाहिए होता है। तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि प्राइवेटली काफी सारी कंपनियां सक्सेस थी, पर पब्लिक में आते ही 2-3 साल में उसका रिकॉर्ड फ्लक्चुएटिंग होने लगा। तो मैं थोड़ा महीने, थोड़ा एक आध साल राह देखता हूँ कि भाई क्या हो रहा है इस कंपनी में। और मेरे लिए आईपीओ की प्रोबेबिलिटी 60-40, 50-50 जितनी है, तो मेरे हक में है नहीं। इसलिए मैं पर्सनली और मैं प्रोफेशनली आईपीओ से थोड़ा दूर ही भागता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी एडवाइस मान लो, पर आपको थोड़ा सोचो कि जो चीज ऑलरेडी, मतलब आईपीओ के दिन उनके प्रमोटर, उनके फाउंडर, उनके इनिशियली एम्प्लॉय दिवाली मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम की वेल्थ बना ली उस टाइम पे। क्योंकि उनके इंटरनली उनको शेयर दिए होंगे 10-20 रुपए में, जो शेयर लिस्ट हुआ है 300-500 रुपए में, ठीक है। और रेयर केसेस में मैंने देखा हुआ है कि आईपीओ डबल ट्रिपल प्राइस पर लिस्ट हो गया, ठीक है, तो भी वो आपकी लाइफ टाइम की वेल्थ नहीं होती। रिटेल पब्लिक के लिए तो लाइफ टाइम की वेल्थ नहीं होती, क्योंकि रिटेल पब्लिक के हाथ में कितने लोट्स आते हैं, कितना पैसा डाला होता है और आपका कितना पैसा बन गया, क्या आप बोलोगे कि यार मैं तो, मतलब मेरी तो अभी जनरेशन को कमाना जरूर नहीं पड़ेगा, ऐसी वेल्थ नहीं बनती। मैं तो ये प्रीफर करता हूँ कि वो नॉइस कैंसिल हो जाने के बाद, कुछ डेटा आने के बाद, कुछ वो पूरा आईपीओ जोन में से कंपनी दिवाली मना के बाहर आ जाए सब फाउंडर बाउंडर्स, तब मैं जाके उसको एनालाइज करता हूँ और तब पता चलता है काफी सारी टाइम। और मुझे तो एक्चुअली ऐसे लोग ज्यादा मिले हुए हैं कि जिन लोगों के पैसे फंस गए, कह रहे यार अब वो रेट आया नहीं, या तो 2 साल से वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आईपीओ में आप ये मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि सर मैंने लास्ट 8 आईपीओ को स्टडी करके देख लीजिए। आईपीओ का जो मार्केट है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में वो लोग आते हैं, तो उसके लिए आपको 25-30 साल का एनालिसिस करना पड़ेगा कि लास्ट 20 साल में कितने आईपीओ आए, कितने आईपीओ सक्सेस रहे, अभी उसमें से कितनी वेल्थ बनी। और काफ़ी सारी बार तो क्या होता है कि अगर कोई मुझे, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे अगर आईपीओ आया, आपने उसमें से शेयर ले लिया और वो शेयर को अगर 20 साल तक आपने कुछ किया नहीं तो कुछ हो सकता है, और वो भी अच्छी कंपनी होगी। पर कौन सी कंपनी अच्छी, आईपीओ के टाइम पे इतना अनसर्टेनिटी होता है, और अगर वेल्थ की गेम मास्टर की गई है एक साइड में, तो मैं उस गेम में नहीं जाना चाहता। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है,
और आज तक फोर्ब्स मैगजीन में या तो इंडिया के टॉप 10-20 रिचेस्ट पर्सन ने या तो जिन लोगों ने वेल्थ बनाई उनके अगर इंटरव्यूज देखो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं से भी ये पता चला कि इस बंदे ने इतनी सारी वेल्थ बना ली क्योंकि वो आईपीओ को फॉलो कर रहा था। नहीं, वो तो प्योर अच्छे स्टॉक जो उसने चूज कर दिखाया, करेज दिखाया कि इतने शेयर में ले लूंगा इस प्राइस पे, और उसका जो बिजनेस दिमाग चला उसकी वजह से वो वेल्थ बना पाया। बाकी आप मुझे बोलो कि कौन सा बंदा आके इंटरव्यू पे बोल रहा है कि नहीं मेरे मेरी लाइफ की वेल्थ बनाई आईपीओ में से। तो ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आईपीओ के अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि अगर मेरा जैसे लोग सोचने लगे तो बेचारी पब्लिकली जो कंपनियां पब्लिक में आ रही है वो पैसा कैसे इकट्ठा करेगी, समझ रहे हो। सो वो थॉट प्रोसेस पे है, आपका भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे। और डिसएग्रीमेंट हेल्दी होने चाहिए, उसे एक दूसरे को अप्रिशिएट करने चाहिए। तो बस मुझे आईपीओ के बारे में इतना ही बताना था। लेट्स सी कि आप अभी क्या करते हो। बाकी जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, पैसा तो बनेगा कि मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।